ओके गाइज, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो गाइज, आज हम खेलने जा रहे हैं द बेबी इन येलो। तो गाइज, एक हॉरर गेम है एंड इस गेम को खेलने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा भी आने वाला है मुझे। बाकी गाइज, उससे भी ज़्यादा आपको मज़ा आएगा इस गेम का गेम प्ले वीडियो देखने में। तो चलो गाइज, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड गाइज, वीडियो स्टार्ट करने से पहले देख लेते हैं हमारा आज का वीडियो का शॉर्ट आउट विनर कौन कौन है। तो गाइज, हमारा जो फर्स्ट शॉर्ट आउट जाता है इसका नेम देख सकते हो, ब्रोकिन। एंड गाइज, हमारा जो सेकेंड शॉर्ट आउट जाता है इस भाई का नेम अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हो, इट इज AV898। और गाइज, हमारा जो थर्ड शॉर्ट आउट जाता है इसका नेम देख सकते हो, सोईद ताफिज। और गाइज, हमारा जो फोर्थ शॉर्ट आउट जाता है इस भाई का नेम अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हो, भाई का नेम कुछ मुरबिप्पा है, साथ में अच्छे से नेम नहीं बोल पाया, बाकी आप स्क्रीन पे देख सकते हो। तो गाइज, हमारा जो फिफ्थ शॉर्ट आउट जाता है इसका नेम है डीजी गेमिंग। तो गाइज, इन सारे भाइयों को मेरे तरफ से बड़ा सा शॉर्ट आउट एंड दिल से थैंक यू ऐसा अच्छा अच्छा प्यारा प्यारा कमेंट करने के लिए और हमें सपोर्ट करने के लिए। आगे भी ऐसा अच्छा अच्छा प्यारा प्यारा कमेंट करते रहना और हमें सपोर्ट करते रहना। तो गाइज, अगर आप भी चाहते हो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर शॉर्ट आउट दूँ, तो अभी आप जो वीडियो देख रहे हो इस वीडियो को कॉमेंट में एक प्यारा सा कॉमेंट कर देना। तो चलो गाइज, अभी हम गेम को करते हैं स्टार्ट। You have one new client message. Oh, hello. I'd like to book a sitter for my little prince. It's for 3 nights. You just need to feed him and put him to bed. Easy peasy. His bottle's in the fridge. The address is apartment 10, Euclidean Towers. And the key's under the plant pot. Take care. Thanks. ओके गाइज, तो यहाँ पे मैंने गेम तो स्टार्ट कर लिया एंड गेम स्टार्ट करते मुझे यहाँ पे किसी लड़की का मैसेज आया एंड उसको गाइज चाहिए उसका बेबी का ख्याल रखने वाला। तो यहाँ पे जो है ना गाइज, मैं जाने वाला हूँ उसका बेबी का ख्याल रखने के लिए। बाकी गाइज, इस लड़की ने बोला, मतलब इस बेबी का जो मामी है उसने मुझे बोला है कि 3 रात तक उसका ख्याल रखना है। एंड उसने गाइज अपार्टमेंट नंबर भी बताया जो गाइज है 10, और उसने बोला है कि गमले के नीचे की भी है। और बोला है गाइस, यहाँ पे जो है ना उसका मम्मी ने बोला है खाना खिलाना है और सुलाना है, मतलब बहुत ही आसान है उसका मम्मी ने बोला है, बाकी उसका मम्मी को पता नहीं है। ये जो बच्चा है एक मॉन्स्टर है, उसका मम्मी को शायद पता नहीं है, बट उसका मम्मी ने बोला है खाना खिलाना है और सुलाना है, बहुत ही आसान काम है। बाकी चलो गाइस, अभी हम अपार्टमेंट ढूंढते हैं। एंड गाइस, अपार्टमेंट ढूंढने से पहले ना मैं आपको इस गेम के बारे में बताना चाहूँगा। देखो गाइस, इस गेम को मैं पहले भी खेल चुका हूँ, मतलब इस गेम को मैं पहले खेल चुका हूँ एंड इस गेम के अंदर मुझे ज़्यादा डर तो बिल्कुल भी नहीं लगने वाला है। बाकी गाइस, आते ही मुझे यहाँ पे एक पोस्टर देखने के लिए मिला जहाँ पे गाइस बेबी साइटर वांटेड। गाइस यहाँ पे बेबी का पोस्टर लगा है एंड बेबी साइटर वांटेड लिखा है गाइस यहाँ पे कुछ, तो लॉस्ट कैट और भी बहुत सारा पोस्टर है। बाकी छोड़ो, मुझे अभी 10 नंबर रूम ढूंढना है गाइस, ये नंबर 6 का है। और ओके, लिफ्ट बंद होके नीचे जा रहा है, शायद कोई आ रहा है रूम के अंदर। ओके, 8 नंबर का रूम है, तो शायद ये 10 नंबर का रूम है। तो यहाँ पे जो गाइस ये है ना गमला, इसका नीचे की था, तो मैं चलो की उठा लेता हूँ एंड अभी डोर को करता हूँ ओपन। चलो यार, और ये रहा गाइस बेबी। तो चलो गाइस, ये हमारा होने वाला नाइट 1 एंड मुझे नाइट 3 तक इस बच्चे का ख्याल रखना है, मतलब 3 दिन मुझे इस बच्चे का ख्याल रखना है, खाना खिलाना है और सुलाना है, बाकी और जो भी हो करना होगा वो हम करेंगे। तो अभी जो गाइस हमारा नाइट 1 है, इसका मतलब जो टास्क है करता है गाइस कॉम्प्लीट। तो फीड द बेबी, मतलब बेबी को अभी भूख लगा है, बाकी यहाँ पे गाइस कुछ फूड है, बाकी ये फूड खाता है क्या, मैं इसको फूड तो नहीं दे सकता ना। बाकी इस बेबी गाइस जितना मतलब बढ़िया देखने में लग रहा है ना, उतना बढ़िया तो बिल्कुल भी है नहीं, कितना प्यारा लग रहा है देखो यार। बाकी इसका जो आँखें है ना गाइस, ये बहुत ज़्यादा बड़ा है यार, इस आँखें का वजह से तो ये बच्चा भाई बहुत ही ज़्यादा डरावनी लगता है। बाकी देखने गाइस लास्ट में ये बच्चा कितना ज़्यादा हमें सताने वाला है। तो चलो गाइस, यहाँ पे किचन है, यहाँ पे हमें मिल जाएगा बोतल, तो अभी मैं ले चल के इसको दूध पिलाते हैं। अरे फेंकना नहीं था यार, उसको पिलाना है भाई, मैं फेंक क्यों देता हूँ पता नहीं। चलो दूध तो पी लिया है एंड उसके बाद मुझे पता था ये पोटी करेगा, तो अभी मुझे इसका नेपी भी चेंज करना पड़ेगा। उसका मम्मी तो ये बोला ही नहीं कि इसका नेपी भी चेंज करना पड़ेगा, बाकी चलो मैं नेपी भी चेंज कर देता हूँ। लो भाई, यहाँ बेबी को मैंने यहाँ पर बैठाया था और ये बेबी गायब, मतलब आते ही इसने अपना जादू टोना करना स्टार्ट कर दिया है
एंड ये मुझे बहुत ही ज़्यादा परेशान करने वाला है। ये गाइस एक मॉन्स्टर है बोल सकते हो आप, एंड ये मुझे बहुत ही ज़्यादा परेशान करेगा। उससे पहले मैं इसको थोड़ा बहुत परेशान कर लेता हूँ ऐसे फेंक फेंक के, बाकी ये कहीं पे भी जा सकते हैं। तो चलो अभी इसको हमें सुलाना है, तो हम इसको सुला देते हैं। तो मैं इसको ओके इसका बेड में सुलाना पड़ेगा, वरना मैं इसको और कहीं सुला नहीं सकता। और मुझे अभी जो कहना है गाइस वो है गाइस यहाँ पे है ना, द प्रिंस एंड द कैट, इस स्टोरी को हमें पढ़ के सुनाना है बेबी को, तभी बेबी सोएगा। तो चलो पढ़ के सुनाते हैं उसको एंड बेबी को सुलाते हैं। तो चलो गाइस स्टोरी तो हमने पढ़ लिया, और अभी यहाँ पे जो बेबी है वो सो चुका है एंड बहुत ही बढ़िया खराठा भी ले रहा है। भाई छोटा सा बच्चा है ऊपर से खराठा ले रहा है। बाकी चलो कोई नहीं गाइस, बेबी का जो रूम है बहुत ही बढ़िया। यहाँ पे गाइस टॉयज ओके टॉयज बॉक्स है जिसमें शायद 6 टॉय है एंड यहाँ पे बहुत सारा चीज़ें हैं। बाकी चलो हम डोर को बंद करके चलते गाइस बाहर, एंड अभी गाइस हमें टीवी देखना है। तो अभी हमारा कोई काम तो है नहीं, तो हमें बैठ के टीवी देखना पड़ेगा। तो चलो यार टीवी देखते हैं, चलो यहाँ पे हम टीवी देखते हैं। और टीवी में किसका ऐड चल रहा है गाइस, टोस्टी, टोस्टी का ऐड चल रहा है क्या? हाँ, और मेरा यहाँ पे ना आँख लग रहा है यार। और बेबी इतना रात को क्यों रो रहा है पता नहीं, बेबी जाग गया शायद और जागने के बाद रो रहा है। तो मैं वापस उसको सुला के आता हूँ, मतलब चुप करा के सुला के आता हूँ। मुझे यहाँ पे डोर ओपन होने का साउंड आया था, बेबी नहीं है यहाँ पे यार, बेबी नीच में जा चुके हैं। तो मुझे वापस नीच में जाके उसको ले आना पड़ेगा, पता था यार ये बेबी ना बहुत ही ज़्यादा परेशान करेगा हमें। बाकी चलो कोई नहीं, यहाँ पे गाइस एक रूम है, ए वाला लॉक है एंड ए वाला रूम गाइस यहाँ पे देखो, मैं आपको चीज़ करके दिखाता हूँ ना, क्या चीज़ करके दिखाऊँ इस बेबी को ना, मैं यहाँ पे जो वैशंग मशीन है इसका अंदर डाल के इसको चला देंगे। अभी देखो ये बेबी कैसे घूमने लगेगा, हेड अभी इसका आँखें देखने का लायक है भाई, ये देखने में मुझे बहुत ही मज़ा आता है भाई। बेबी हंस रहा है मतलब खुश हो रहा है भाई, ऐसा कैसे खुश होगा, मैं उसको ऐसा सता रहा हूँ बाकी खुश हो रहा है। एंड अभी देखो गाइस इसका आँखें, मैं इसको पकड़ता हूँ एंड इसका आँखें देखो भाई कैसा घूम रहा है, मतलब बहुत ही बढ़िया। मुझे तो ये वाला सीन देखने में बहुत ही मज़ा आता है, जब भी मैं इसको उस मशीन में डालता हूँ ना तो इसका आँखें जो ना बहुत ही ज़्यादा घूरता है। बाकी अभी इसको क्या हो गया, ओके इसको टॉय चाहिए, यहाँ पे मैं दे देता हूँ। एक कैड वाला टॉय चाहिए क्या? हाँ यही चाहिए था। अभी डोर बंद करना है एंड बेबी सो जाएगा, तो मुझे उसको दोबारा से सुलाना नहीं पड़ेगा। वो जो मतलब स्टोरी वाला बुक है ना उसको पढ़ के। बाकी यहाँ पे डोर ना दोबारा से ओपन हो गया, मैं इस डोर को बंद कर देता हूँ एंड ये जो डोर है दोबारा से ओपन हो चुके हैं एंड यहाँ पे जो ना बेबी सो चुके। चलो डोर को बंद करो, अभी हम चलते हैं टीवी देखने के लिए, मतलब चिल आउट, मेरा कोई काम नहीं है तो मैं हम टीवी देखेंगे ना, कुछ और तो थोड़ी नहीं करेंगे। चलो टीवी देखते हैं, और मेरा आँखें लग रहा है शायद हम सो जाएंगे। तो चलो गाइस ये हमारा नाइट टू है एंड हमारा जो नाइट वन है वो तो बहुत ही बढ़िया काट चुके हैं, देखते हैं अभी नाइट टू के अंदर हमें क्या क्या प्रॉब्लम का फेस करना पड़ेगा। तो पहला जो हमारा टास्क है वो है गाइस गेट बोतल द फ्रिज, फ्रिज से मुझे बोतल निकालना है। लो भाई ऑटोमेटिक डोर बंद हो गया, मतलब फ्रिज का डोर है ये बंद हो गया। अभी गाइस यहाँ पे फाइंड द बोतल, बोतल को मुझे ढूंढना है। यहाँ पे कुछ है गाइस इसके अंदर हो सकता है क्या, यहाँ पे कुछ है इसको मैं उठा लेता हूँ एंड यहाँ पे गाइस ए रहा मिल्क का बोतल, इसको ले चलते हैं। एंड गाइस अगर आप ईयरफोन लगा के इस वीडियो को देख रहे हो ना तो आपका इस गेम का साउंड बहुत ही बढ़िया से सुनने के लिए मिलेगा। अगर आपने अभी तक ईयरफोन नहीं लगाया ना तो ईयरफोन लगा लो यार, ईयरफोन से आप इस गेम का साउंड का मज़ा ले सकते हो। बाकी चलो मैं यहाँ पे बेबी को दूध पिलाता हूँ। ये क्या है गाइस, डॉक्टर गिफ्ट लॉक फ्री 11 मोर सोल्स, ओके मुझे गाइस 11 कुछ चाहिए, 11 कुछ चाहिए, बट चलो यार बेबी का नेफी चेंज करना पड़ेगा क्योंकि ये जब भी दूध पीते हैं तब इस पोटी कर देते हैं, तो इसका नेफी चेंज कर। लो भाई कर लो बात, इसका भी आँखें निकल आया भाई, नेपी का आँखें कैसे निकाले पता नहीं, बाकी इस नेपी को मुझे पकड़ना होगा क्योंकि बेबी को हमें नेपी पहना है, मतलब पहनाना है। और ये नेपी
भाई यहाँ पे छुप गया। अरे छुप के जाएगा कहाँ, बच के पकड़ में तो उस तुझको आना ही पड़ेगा। अरे भाई भाग रहा है भाई, ए कुछ भी भाई कहाँ गया कहाँ। अरे फिर से भाग गया भाई, ये पकड़ में आएगा क्या नहीं पता नहीं, बट ये वाला डोर ओपन हो चुका है, ये लॉक था तो इसको पकड़ ले। लो भाई इसका सर दीवार से टकराया और इसका अभी सर चकराने लगा और ऊपर से इसका जो आंख है वो कैसे घूम रहा है देखो गाइस, गोल 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 गोल। अरे यहाँ पे मुझे एक चीज़ देखने के लिए मिला है, वो है गाइस इन इमरजेंसी ब्रेक ग्लास, इसका आगे चल के हमें काम आने वाला है। तो चलो अभी हम इस नेपी को लेके चलते हैं एंड बेबी को पहनाते हैं। बेबी कहाँ होगा, बेबी फिर से गायब तो नहीं होगा ना। चलो गायब तो नहीं हुआ था, बाकी हमारे लिए अच्छा है वरना फिर से हम डर जाते। बाकी मैं कह ही रहा था गायब तो नहीं हुआ, बाकी दोपहर से इसने गायब हो गया भाई। मैं उसको ले जा रहा था सुलाने के लिए, बाकी वो मेरे हाथ से ही गायब हो गया, कोई लो बात यार। एंड ये बेबी जो ना मुझे बहुत ही ज़्यादा डराएगा एंड बहुत ही ज़्यादा परेशान करने वाला है, बाकी मैं डरने वाला नहीं हूँ क्योंकि मुझे डर नहीं लगता है। तो चलो अभी हम इस बेबी को यहाँ पे सुला देते हैं और मुझे इसको दोबारा से स्टोरी सुनाना है। चलो स्टोरी सुनाता है इसको एंड इसको सुलाते हैं। अभी इसको क्या हुआ भाई, इसने तो स्टोरी बुक को फेंक दिया यार, मेरा हाथ से छीन के फेंक दिया। इसको टॉय चाहिए भाई, यहाँ पे जो है ना इसको हम देते हैं, ए नहीं चाहिए इसको, ए रोबिड वाला देते हैं। ओके अभी ये खुश हो गया, मतलब उसको वही चाहिए था। अभी मुझे दोबारा से मतलब कंटिन्यू करना है तो कंटिन्यू करते हैं एंड इसको हम स्टोरी सुनाते हैं और सुलाते हैं। चलो गाइस स्टोरी तो हमने पढ़ के सुना दिया बेबी को एंड बेबी सो चुका है, बाकी अभी हमें चलते गाइस, हमारा कोई काम टाम तो है नहीं। बेबी जब सो जाता है तो हमें सिर्फ टीवी देखना है क्योंकि हमारे पास और कोई काम नहीं है, इसलिए बेबी सो जाएगा तो हमारा पास सिर्फ एक ही काम बचेगा, वो है गाइस टीवी देखना। बाकी बाहर कोई आया हुआ है, पता नहीं कौन है भाई, कोई नहीं है यार, यहाँ पे किसी ने दे गया कुछ। ओके टोस्टी, जो गाइस हम फास्ट नाइट के अंदर देख रहे थे ना टीवी में ऐड, टोस्टी शायद हमने उड़ा दिया था खाने के लिए, मतलब इसमें हम क्या बना सकते हैं वो गाइस, यहाँ पे जो ब्रेड है ना इससे हम कुछ बना सकते हैं। तो हमें भूख तो भी मतलब हमें भूख तो लगेगा ना, तो हमें खाना भी खाना होगा। तो चलो इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ, अभी मैं यहाँ पे इस डोर को बंद कर देता हूँ वरना घर के अंदर कोई आ जाएगा। अभी चल के हम सोफे में बैठते हैं एंड टीवी देखते हैं यार, और टीवी में एक कौन है जिसका मुंह नहीं मतलब सर ही नहीं है, एक बड़ा सा आंखें है भाई, क्या सीन है भाई। तो चलो गाइस ये हमारा होने वाला नाइट 1 एंड नाइट 2 बहुत ही बढ़िया से काट चुके हैं, बाकी पता नहीं इस नाइट के अंदर हमारे साथ क्या होने वाला है, मतलब नाइट 3 के अंदर हमारे साथ क्या होने वाला है। बाकी चलो यार ओके इससे हम क्लीन कर सकते हैं, बाकी क्लीन करने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो हमारा जो टास्क है वॉच टीवी ऑन द सोफा, भाई इतना जोर से बिजली कड़का कि यहाँ पे जो टीवी का सिग्नल था वो तो जा चुके हैं, नहीं दोबारा से आ चुके हैं। वहाँ पे जो है ना इस बेबी भी जाग चुके हैं एंड वो रो रहा है, तो मैं उसको सुला के आता हूँ, मतलब चुप करा के एंड सुला के आता हूँ। मुझे लगता है ना बाहर बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है एंड बहुत ही गंदा बिजली कड़क रहा है, तो मैं बेबी को सुला दिया, सुला नहीं गई यहाँ पे चुप करा दिया। अभी मैं डोर बंद करके चलता हूँ, बेबी सो जाएगा। अभी गैस यहाँ पे मुझे कुछ बनाना है, मतलब खाना खाने के लिए मुझे कुछ बनाना है जो इससे हम बना सकते हैं एंड चलो यहाँ पे हम रखते हैं गैस। फ्रिज के अंदर कुछ आइटम है जैसे कि देख सकते हो, यहाँ पे टोमेटो रखते हैं और मुझे क्या खाना चाहिए इसको लेता है गैस एंड मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ लूँगा। चलो यहाँ पे चीज़ ले लिया एक, अरे वहाँ पे नहीं रखना यार, अरे भाई ब्रेड यहाँ पे फेंको भाई इस चीज़ को, अरे चीज़ वहाँ से उठ ही नहीं रहा ना, अभी उठ गया। चलो इस चीज़ को वहाँ पे रखो, अभी यहाँ पे मैं इसको लेता हूँ और यहाँ पे गाइस मैं एक मशरूम भी ले लेता हूँ, यहाँ पे मशरूम भी है तो चलो मशरूम ले लिया। अभी यहाँ पे एक ब्रेड उठा लेते हैं एंड इसको मैं रखता हूँ, अभी इसको मैं
वो कहता हूँ पकाता हूँ इसको। ए अभी क्या हुआ यार, ये तो फूट गया ऊपर से। यहाँ पे फीड मी, ये क्या हो रहा है भाई, फीड मी, फीड मी, और हमारा जो टास्क है फीड द बेबी यू मॉन्स्टर। ओके, बेबी को मुझे दूध पिलाना होगा क्योंकि उसको भूख लगी है और वो मॉन्स्टर बन जाएगा वरना। एंड मुझे अभी ये क्या सीन है यहाँ पे, देखो गाइस फ्रिज ना बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो चुके, तो मुझे फ्रिज के अंदर जाके ये जो दूध का बोतल है इसको लेना है और मुझे अभी बाहर जाना है। एंड बेबी यहाँ पे क्या कह रहा है, अरे यार बेबी ने तो डोर ही बंद कर दिया और पता नहीं अभी मैं कहाँ आ चुका हूँ। जहाँ भी आ गया ये गाइस आइस एरिया है शायद, फ्रिज के अंदर आ गया तो इसलिए शायद आइस एरिया में आ चुका हूँ मैं। यहाँ पे आइस आइस ही है और यहाँ पे गाइस ये गाइस बोतल जिसको मुझे उठाना पड़ेगा, तो मैं उसको ढूंढता हूँ और मैं शायद इसको किस साइड से ढूंढ लूँगा और किस साइड से ढूंढ पाऊँगा शायद, और एक थोड़ा बुलबुलिया जैसा है तो ढूंढने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होने वाला है, तो ढूंढूँ कैसे। ओके काम करता हूँ इस साइड से, मैं वापस यहाँ पर घूम के आ रहा हूँ। ओके ये रहा गाइस, चलो मिल चुके, अभी हम वापस चलते हैं। तो वापस चलो, वापस जाना बहुत ही आसान है और यहाँ से हम वापस जा सकते हैं शायद। कहाँ है यार रास्ता, कहाँ पे है, यहाँ पे तो रास्ता बंद है ना, यहाँ पे भी रास्ता बंद है, तो यहाँ पे ओके ये रहा गाइस रास्ता, और पता नहीं मैं कहाँ से आ गया। अरे यार मैं तो 10 नंबर रूम में था ना और भाई मैं 9 नंबर रूम से आ रहा हूँ, भाई बताओ कैसे भाई। बाकी चलो बेबी रो रहा है, उसको मुझे खिलाना होगा। एंड इसका आँखें भाई, इसका मुंह देख के मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लगता है भाई, इसको जब भी ऐसा मुंह देखता हूँ ना मैं, भाई क्या बताऊँ भाई, इसका आँखें देखो यार कैसा लाल हुआ है। मेरा मोबाइल थोड़ा हीट हो चुका है, बट चलो कोई नहीं, मैं इसको नेपी पहना देता हूँ इस बार। और भाई ये बेबी तो भाई मार डालेगा मुझे लगता है, बट चलो अभी देखते हैं बेबी क्या जादू टोना करते हैं। यहाँ पे बेबी जो ना गाइस उसका जो खेलने का सामान है उसको हवा में उड़ा रहा है एंड मुझे उससे टक्कर लगा रहा है। एंड अभी जो हमारा टास्क है वो है बेक द इमरजेंसी ग्लास। ओके मुझे पता चल गया मुझे क्या चाहिए, तो ऊपर वाला फ्लोर में मुझे जाना होगा, मतलब ऊपर में जाना होगा, तो ऊपर में चलते हैं। एंड यहाँ पे है गाइस इमरजेंसी, अरे यार ये है गाइस इन इमरजेंसी ग्लास, इसको मुझे बेबी को देना होगा तब जाके शायद बेबी शांत हो जाएगा। तो चलो भाई बेबी शांत हो गया फाइनली, अभी ले चल के बेबी को सुलाता हूँ भाई, ये तो मुझे बहुत ही ज़्यादा परेशान कह रहा है। बाकी मैं आपको और एक चीज़ दिखाऊँ जो मुझे अच्छा लगता है देखने में, वो मैं अरे नहीं दिखाऊँगा बाद में दिक्कत हो जाएगा, मैं बेबी को ले चलता हूँ एंड बेबी को सुलाता हूँ भाई। चलो भाई अभी ये क्या हो रहा है, बेबी यहाँ पे बैठा हुआ है और बेबी का हाथ में है गाइस जो जो हमारा स्टोरी वाला बुक है ना वो बुक। अभी बेबी घर का अंदर चला गया मेरे हाथ से, बट चलो मैं चलता हूँ देखता हूँ क्या कर रहा है। ओके हवा में कैसे उड़ रहा है बे, तुझे अभी सोना चाहिए, इतना रात को मस्ती नहीं मजाक नहीं बिल्कुल भी, अभी सो जा बहुत ज़्यादा रात हो चुके। एंड इसको मुझे कोई टॉय देना है, तो देखता हूँ कौन सा वाला टॉय चाहिए, नहीं चाहिए उसको, यहाँ पे गॉड वाला ओके ये चाहिए था, खुश हो चुके। अभी मुझे इसको स्टोरी सुनाना है भाई। एंड इस घर का जो दियाल है ना ये तो देखो गाइस कैसा हो गया इस बेबी का वजह से। एंड मैंने बोला ना एक मॉन्स्टर है जो मुझे बहुत ही ज़्यादा परेशान करने वाले हैं, चलो इसको मैं स्टोरी सुनाता हूँ। अभी ये क्या हो रहा है, बेबी एक चेयर में बैठा है और एक क्या
क्या रहा है पता नहीं, बाकी चलो देखता हूँ क्या कह रहे हैं। ओके भाई, गुड नाइट। शायद गाइस यहाँ पे जो ना हमारा पहला चैप्टर एंड हो चुका है। तो चलो गाइस आज का वीडियो हम यहाँ पे एंड करते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर देना, एंड गाइस अगर आप हमारे चैनल पे नहीं हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और गाइस इस गेम का पार्ट टू पार्ट थ्री देखना चाहते हो क्या नहीं कॉमेंट करके जरूर बताना। एंड गाइस आज का गेम प्ले आपको कैसा लगा ये भी कॉमेंट करके जरूर बताना। आज के लिए तो इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब के लिए गाइस बाय बाय।